हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर किसी क्लाइंट का आपका फेस थोड़ा चबी है, यानी कि थोड़ा सा राउंड है, हमारी डमी का नहीं है ऐसा जो लाइन है इसकी प्रॉपर, लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जिसका राउंड फेस है उसके ऊपर आप किस तरह की हेयर स्टाइलिंग दे सकते हो और हेयर स्टाइलिंग उसको कैसी देनी है और आपको कैसे उनका फेस को फ्रेम करना है ताकि उनका जो फेस है बहुत ज़्यादा चबी ना लगे और फेस जो राउंड है उनका थोड़ा सा उनका लुक जो आए थोड़ा लंबे में आए, थोड़ा सा लुक उनकी ग्लैम लुक आए। क्योंकि गाइस, आप मेकअप से तो फेस काफ़ी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को पता है कि हेयर स्टाइलिंग से भी काफ़ी हद तक आप फेस को कंट्रोल कर सकते हो। हेयर स्टाइलिंग से आपके पूरे फेस की शेप बदल सकती है। तो आपने देखा होगा कि कितने लोग मेकअप अच्छा कर ले, लेकिन हेयर स्टाइलिंग की वजह से उनका मेकअप भी बेकार लगता है। वो इसी वजह से लगता है कि हमारा जो हेयर स्टाइल करने का तरीका है वो फेस को शेप देखकर नहीं होता। तो गाइस, डे बाय डे हम अलग अलग फेस की शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल सीखेंगे और आज हम सीखेंगे कि जिनका राउंड फेस है उसको कैसे फ्रेम हम कर सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए, आज हम सिर्फ फ्रेंड वेरिएशन सीखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, डे बाय डे हम पूरा हेयर स्टाइल पर आएंगे। तो गाइस देखिए, क्लाइंट को हमने सो गाइस देखिए हमने पोनी का एरिया निकाल लिया। इसमें आप कर्ल्स वगैरह या फिर बन वगैरह बना सकते हो। फ्रंट वेरिएशन के लिए हमने पफ का सेक्शन जो है वो अलग से निकाल रखा है। और पहले सबसे पहले हम बनाने वाले हैं गाइस पफ। सो गाइस, पफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, सेक्शन निकालने हैं पतले पतले, ठीक है गाइस। थिन थिन सेक्शन आपको निकालने हैं, ज़्यादा मोटे सेक्शन नहीं निकालने हैं। और बैक कॉम्बिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। सो गाइस, ये देखिए, हेयर को हमने अच्छे से इस तरीके से होल्ड किया है, ठीक है। और बैक कॉम्बिंग आपको हमेशा ऐसे ऐसे नहीं करनी है, बैक कॉम्बिंग हमेशा हमें इस तरीके से करनी होती है। बैक कॉम्बिंग हमेशा इस मोशन में करनी है, इस तरीके से, एक दो, ऐसे ऐसे नहीं करनी है, तीन। ये हमारी बैक कॉम्बिंग हो गई। अब इस बैक कॉम्बिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, कितने लोग इतना ही करके छोड़ देते हैं, क्योंकि बैक कॉम्बिंग हमारी अभी सॉफ्ट है। इसे हार्ड बनाने के लिए हमें नीचे पुश करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। अब थोड़ी हार्ड बैक कॉम्बिंग हुई है, स्प्रे करके इसको थोड़ा सा और हार्ड करेंगे, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमारा हमें एक वॉल्यूम क्रिएट मिलेगा जिसमें हमें पफ बनाने में ईजी रहेगा। और ये लिए एक सेक्शन और इसका भी हम हाफ करेंगे, ये हाफ कर लिया है। और इस पर भी हल्की सी बैक कॉम्बिंग करेंगे, देन स्प्रे करेंगे। और जो फ्रंट का जो सेक्शन होता है मैं गाइस, इस पर सबसे कम बैक कॉम्बिंग करनी होती है ताकि इस पर हल्का सा जो हम टेक्सचर दे वो मैसी सा बिल्कुल भी ना लगे। ये गाइस हम बैक कॉम्बिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपनी थंब की मदद से, जो हमारे थंब होते हैं उसको हमें नीचे पुट करना है और ऐसे स्प्रेडिंग करनी है इस तरीके से। ये देखिए, ये एक आपके क्लाइंट क्लाइंट के हेयर को शेप मिल जाएगी। देन इनको अच्छे से नीट करना है, जो आपकी बैक कॉम्बिंग बाहर आ रही होगी उसको नीट एंड क्लीन करना है इस तरीके से। फिंगर भी चलानी है साथ साथ इस तरीके से। और आपको इस हाथ को हमेशा राउंड में रखना है इस तरीके से, ऐसे फ्लैट में नहीं रखना, पफ दब जाएगा। राउंड में रखना है इस तरीके से, फ्लैट बिल्कुल भी नहीं रखना। और ऐसे धीरे धीरे नीट करेंगे। नीट करने के लिए हमें कॉम हमेशा लिटा कर चलानी है। खड़ी कॉम चलाओगे तो क्या होगा गाइस, आपकी बैक कॉम्बिंग जो आपने करी है सारी खुल जाएगी। ये देखिए, और साथ साथ आपको स्प्रे भी अच्छे से करना है। कितने लोगों की यही शिकायत रहती है कि हमारे स्टाइलिंग में फिनिशिंग नहीं आती, वो इसी वजह से नहीं आती। देखिए, थोड़े छोटे जो ब्रेकेज उड़ रहे हैं उन पे स्प्रे करना है। स्प्रे इस पर्पज से कर रहे हैं हम, होल्डिंग के पर्पज से नहीं कर रहे, इसलिए ज़्यादा नहीं करना। हमें से ये ब्रेकेज हेयर जो है इन्हें बिठा रहे हैं। देन आपको इसकी होल्डिंग में दिखा देता हूँ, पफ की होल्डिंग किस तरीके से करनी है। आपको दो तरीके से होल्डिंग कर सकते हो आप पफ की, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है गाइस। होल्डिंग हम कर लेंगे कैसे भी, उसको पहले हल्का सा हम पुलिंग निकालने के लिए इसको हम करेंगे होल्ड, इसको लॉक नहीं करेंगे, इसको होल्ड करेंगे जोड़ा पिन की मदद से, ठीक
ठीक है। और गाइस के हम हल्की हल्की पुलिंग निकालेंगे, साइड निकालेंगे हम, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से निकालनी है। ये देखिए, पहले आपको जस्ट फ्रीड निकालनी है, देन इनको स्प्रे से लॉक करना है। सही आ रही ना? लॉक करने के लिए गाइस आपको पहले होल्ड करना है अच्छे से, स्प्रे से ही होल्डिंग मिलेगी आपको। और गाइस बैक पर भी आपको पुलिंग को थोड़ा सा शार्प करना है, ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है बैक से भी काफी ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है गाइस, अब इसको हम चाहे छोड़ भी देंगे गाइस तब भी ये होल्ड हो जाएगा। उसको अब हम लॉक करेंगे बॉब पिन की मदद से। लॉक करने से पहले हम इसको पहले वाले टैक्स शेप पर ले आएंगे, पहले वाली शेप पे लाकर इस तरीके से पिन को खोल के, पिन हमेशा आपको रूट से लगानी है। अगर आपको पिन लगाने नहीं आती, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। पिन को इस वाले पिन में हमेशा दो चीज़ होती है, एक आगे का एरिया, एक पीछे का एरिया। पीछे वाले एरिया को हम हमेशा रूट्स पे चलाते हैं, ठीक है गाइस। रूट्स पे अगर वो फील नहीं होगा, चुभने वाला फील नहीं, एक चीज़ चलती हुई फील नहीं होगी, तब तक आपकी जो पिन है अच्छे से लॉक नहीं होगी। ये हो गया हमारा पफ तैयार, ठीक है। इस तरीके से आपको पफ को तैयार कर लेना है। और अब गाइस मेन टॉपिक पे आते हैं कि फेस को किस तरीके से फ्रेम करेंगे। फ्रेम करने के लिए गाइस हमारा जो क्राउन का सेक्शन है, ये ही यूज़ में लाना है। ये देखिए गाइस, हमें सेक्शन निकाल लेना है। इस ये आईप्रो का जो आर्च दिख रहा है, यहाँ से आपको सेक्शन निकालना है और सेम इस साइड निकालना है। ये रहा आईब्रो का आर्च, और एकदम स्ट्रेट कॉम चलानी है आपको। ये निकल गया हमारा बॉक्स सेक्शन गाइस, इसे कहते हैं हमारा जो है, ये है बॉक्स सेक्शन। और फेस को फ्रेमिंग देने के लिए हमें थोड़ा फोरहेड कवर करना पड़ेगा, तो ये हमने निकाल लिया फोरहेड कवर करने के लिए सेक्शन। ठीक है गाइस, सेक्शन ज़्यादा मोटा नहीं निकालना है, क्योंकि जो हमें फ्लिक्स निकालनी है उसको थोड़ा सा हम एयर फ्लिक्स बनाएंगे, ठीक है, अपर से जो नीचे डाउन जाती हुई। देखें, ये सेक्शन हमने निकाल लिया है, और इसकी हम बनाएंगे प्यारी सी ब्रेड। गाइस ब्रेड सुन के हमें ऐसा लगता है कि बेसिक सा हेयर स्टाइल है, ब्रेड बनाने का तरीका होता है गाइस, जिससे आपको एक ब्रेड को एडवांस हेयर स्टाइलिंग में कैसे चेंज कर सकते हो। क्या है गाइस, आपको ब्रेड बनाने के लिए हमेशा बिल्कुल फाइन सेक्शन निकाल के वर्क करना पड़ता है। जितना फाइन सेक्शन निकाल के ब्रेड बनाओगे, उतना आपका जो हेयर स्टाइल है फिनिशिंग से दिखेगा। ये कितने ब्रेड बनाते हो, मोटे मोटे ब्रेड ट्विस्टिंग कर देते हैं, तो बिल्कुल ही बेकार लगता है। ये निकाल लिया गाइस हमने अपना इसका सेक्शन, और ब्रेड बनाने वाले अब हम। सो गाइस ये देखिए, इसके हम करेंगे दो पार्ट, और हम ट्विस्टिंग वाला हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं फ्रंट पे, कि वो किस तरीके से एडवांस में दिखेगा। देखिए गाइस, बिल्कुल पतली पतली आपको ट्विस्टिंग लेनी है। ये देखिए, जितनी पतली फ्लिक्स लोगे उतना ही अच्छा एडवांस हेयर स्टाइल आपका वो दिखेगा। आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा पतली बनाने में, लेकिन गाइस आपको जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा अच्छा भी दिखाना होता है। काफ़ी लोग मोटे मोटे पुलिंग लेते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि भी मतलब वो बनाया नहीं है, वो लपेटा हुआ हेयर स्टाइल लगता है। ये देखिए, थोड़ा सा हमें दबा के चलना, क्योंकि आगे वॉल्यूम आपको मिल जाएगा जितना आपको वॉल्यूम चाहिए।
शुरू में लूज हाथ से बनाओगे तो वो बिल्कुल ही फैली हुई ब्रेड लगेगी, वो सेटल करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से आपको सेक्शन बाई सेक्शन ब्रेडिंग के लेने हैं। सेक्शन जैसे गाइस आप पीछे आते रहोगे तो सेक्शन डायगोनल की तरफ चले जाएंगे, सेक्शन आपके थोड़े से तिरछे हो जाएंगे, पीछे बैक की तरफ आते जाएंगे। देखिए कितने फाइन फाइन सेक्शन लेके मैं ब्रेड बना रहा हूँ, ताकि ये जो है पुलिंग हमारी इनहेंस होए, थोड़ी सी शो होए। देखिए इसमें से बिल्कुल बारीक सेक्शन लेने हैं आपको, हाथ की ग्रिप आपको यहीं रखनी है पीछे, ऐसे नहीं कि नीचे इधर इधर की साइड लेते जाए, हाथ की ग्रिप आपको हमेशा पफ जहाँ लॉक किया है वहीं रखनी है, और ये आपको इस तरीके से सेट कर लेना है। और यहाँ पे आपको पुलिंग को थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ा देनी है पुलिंग की। ये देखिए सबसे ज्यादा हेयर स्टाइल चलने वाला हेयर स्टाइल लगा इसे ब्रेडिंग में, और इस तरीके से आप इसकी विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं जो आपकी लाइनिंग है वो अच्छे से दिखे। उसको आप कर देंगे बॉब पिन से लॉक। जब पफ लॉक किया है आपको वहीं लॉक करना है, और गाइस साइड से आपको हल्की सी वैक्यूमिंग करनी है और पीछे पिनअप करना है, इस पर ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको नहीं देनी है इस तरीके से, और हल्के हल्के आपको यहाँ से पुलिंग्स ले लेनी है। और फेस को कैसे फ्रेम करेंगे वो बताने वाला हूँ मैं आगे, जो फ्लिक्स छोड़ी मैंने वो फ्लिक्स किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये देखिए उसको थोड़ा सा शार्प कर देगा इस लाइन को, ये देखिए इस तरीके से शार्प कर देंगे। और गाइस ये जो हमारी फ्लिक्स बची है इसको आप किस तरीके से, तो गाइस सबसे पहले आपको इसको अच्छे से कॉम करनी है, इस पर बैक कॉम करनी है। बैक कॉम करने के बाद गाइस आपको अच्छे से स्प्रे करना है, और गाइस जो बैक कॉम करी है ना इसके आगे जो छोटे छोटे हेयर आते हैं उसको नीट करना है इस तरीके से। ये देखिए गाइस ब्रेकेज हेयर को नीट करना है, और इसको इस तरीके से पकड़ना है आपको, और आपको ये जो कॉर्नर है इसको अच्छे से ऐसे इस तरीके से स्प्रेडिंग करनी है इस तरीके से। ठीक है गाइस, जितनी पतली आपकी ये स्प्रेडिंग होगी उतनी अच्छी आपको होल्डिंग मिलेगी। ये देखिए इस तरीके से आपको नीट एंड क्लीन फ्लिक्स उठानी है, और आपको यहाँ पे एक क्लिप लगा देनी है। ठीक है गाइस, ये स्टील क्लिप है, ये आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो तो सीख रहे हो या करते हो तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। और आपको इस साइड से देखना है, इस वाले सेक्शन पे अच्छे से कॉम करनी है, देन आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से डाउन में लेकर आएंगे। ठीक है गाइस, आपकी फ्लिक्स पे ये लगा, और गाइस आपको ये इस तरीके से एस टाइप का बनाना है जिससे आपका फेस है पूरा फ्रेम भी मिल सके और एक शेप भी अच्छी उनको दिखे। ठीक, एस टाइप का आपको ये बनाना है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए
इस तरीके से आपको ये स्प्रेडिंग करनी है और अच्छे से स्प्रे करना है और अच्छे से नीट एंड क्लीन उस फ्लिक्स को शार्प करना है। देन आपको एक इनविजिबल छोटी वाली पिन लेके या फिर ये जूड़ा पिन लेके आप इसको यहाँ पिना पड़ सकते हो। ब्लैक हेयर पे बिल्कुल भी पिन आपकी नहीं दिखेगी, देखिए इसमें भी नहीं दिख रही है ज़्यादा। इस तरीके से आपकी जो क्लाइंट का राउंड फेस होगा वो फ्रेम हो जाएगा, काफ़ी हद तक फेस फ्रेम हो जाएगा। मेकअप होगा, मेकअप से कंटूरिंग करोगे। और गाइस आप पे अगर बैम्बू स्टिक नहीं, आप इसको जूड़ा पिन को खोल के यहाँ लगा के स्प्रे कर सकते हो अच्छे से, ताकि जो होल्डिंग है अच्छे से हो सके और ये आपका फ्रंट वेरिएशन जो है कंप्लीट हो चुका है। और आपको सेक्शन क्लिप निकाल लेनी है, स्टील क्लिप आपको, वही वाली क्लिप को भी हम निकाल लेंगे थोड़ी सी होल्डिंग मिलने के बाद। बस ये देखिए आपका जो वेरिएशन है वो तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये जो सेक्शन बचा है गाइस आपको ये पीछे यहीं पे इस तरीके से पिनअप कर देना है, ये लिया आपने, ये कर दोगे आप इसको ऐसे पिनअप। पीछे आप बन वगैरह ओपन बना सकते हो, इससे आपकी क्लाइंट का जो फेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेम हो जाएगा। देखिए गाइस वो कितना सिंपल एंड इजी हेयर स्टाइल है, फेस भी आपके क्लाइंट का फ्रेम हो जाएगा। तो गोल फेस उनका चबी फेस जो है बहुत ज़्यादा कम दिखेगा, अगर ज़्यादा चबी फेस है तो आप यहाँ से भी एक गाइस उनकी फ्लिक्स निकाल सकते हैं और कर्ल्स कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो। तो गाइस आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। इसी तरीके की अगर आपको और भी हेयर स्टाइलिंग चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फेस शेप के ऊपर कैसे स्टाइलिंग अच्छे लगेगा, वैसी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर दे दूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ओके टेक केयर, बाय बाय।